ओ हालेलुया 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 रीबा शिखर रबा हुलाबा रिक रबा रिक्तम जयम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम है हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। प्रेस टू जीजस हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में इस रात के प्रार्थना के सभा में, और जितने लोग प्रार्थना के साथ शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु की आशीषों को वह प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन सुबह शाम नाइट लाइव प्रार्थना जितने लोग हर रोज़ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सुबह का प्रार्थना देख लिया तो नाइट का नहीं, नाइट का देख लिया तो लाइव प्रार्थना नहीं, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। हर मीटिंग अटेंड करना है और अपनी आशीषों को प्राप्त करना है। हालेलुया। दाऊद यहाँ पास मेरे प्रियो कहता है छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद भजन गाकर प्रभु से प्रार्थना करता है। हो सकता है किसी परिस्थितियों में फंस गया हो, उसके मार्ग बंद हो गए हो, मार्ग नजर नहीं आ रहे हो, तो दाऊद प्रभु से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है भजन संहिता 143 के उसके 8 वचन में, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हालेलुया। मेरे पियो परमेश्वर का वचन सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें कर रहा है और कह रहा है क्या, मुझ पर भरोसा रख। किस पर? अपने परमेश्वर पर। दाऊद यहां कहता है क्या, मैं करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, करुणा की बातें शीघ्र सुना क्योंकि मैं तुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पर है आज? क्या हमारा भरोसा अपने खुदा पर है? अगर है तो आज की प्रार्थना का उत्तर निश्चित तौर पर मिलेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए कि ये वचन, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जाए। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे, क्लेम कर रहे हैं, वो अपने जीवन में मिरेकल होते देख रहे हैं। ओ रमा शिखर रबा हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, दिन भकारी मगवाई कि आपने आए जाने में सहायता किया और एक सुनाव से प्रदान किया पिता कि हम आपकी उपस्थिति में बैठ कर उसकी आराधना कर सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे पिता, हर एक को आपके नाम से मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, अद्भुत चंगाई छुटकारा यीशु के नाम में प्रकट हो जाए, मिरेकल इनके जीवन में प्रकट हो जाए आपके नाम से। और ये भाई बहन आज शिक्षित हो जाए पिता, हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से बाहर निकलने पाए और ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाले हो जाए। हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की बाधाएं इनके जीवन से, इनके लाइफ से बाहर निकलने पाए और अपने जीवन में मिरेकल को देखते, रिसीव करते हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीजस, आमेन। महिमा 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 हो राजा। ओ रमा रसा खर रबा रिक्तम जयम, रिक्तम जयम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अरिशय क्रम प्रकट हो जाए। यस यस, बीमार चंगे हो जाए, इनके हाथों के पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए, हर एक कमजोरिया, वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाले हो जाए पिता। जो कमजोरी, जो दर्द इनके शरीर में कार्य कर रही है, इसी समय बाहर निकल जाए। यस यस, ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस। मैं देख रहा हूं कोई घर है जिस घर में दरारें पड़ी हुई है, ओ हो रा 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 मा सिखा रा बा, उसको ठीक करवाइए। प्रभु आपके घर में आशीष करेगा, बीमारी के बंधन को तोड़ेगा। मैं देख रहा हूं कोई भाई बहन भी है जो काला धागा पहना हुआ है अपने शरीर में, कि इस काला धागा पहनने से जो भी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी और वो किसी के द्वारा दिया गया है, कुछ भी तंत्र मंत्र करके इस प्रकार से दूसरे से लिए हुए हैं और पहने हुए हैं। यस, ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। निकाल दीजिए, निकाल दिए, ताबीज पहने, कुछ भी पहने अपने शरीर में, उसको निकालिए। प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है।
ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस, आमेन आमेन आमेन। यस यस, बंधन से आजाद, पैर में बंधा हुआ है धागा, पैर में बंधा हुआ है, जिस कारण बोलते हैं पैर दर्द दे रहा है या कुछ भी हो, झुनझुनिया आता है पैर में, देख रहा हूँ पैर में कुछ लोग पहने हुए हैं, उसको निकालिए, उसको निकालिए अपने पैर से। यस ओ थैंक यू लॉर्ड। हम जब धागा को, धागा जैसा हम पहनते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस धागा को हम कुछ और चीज़ के लिए पहन रहे हैं तो उसमें बुराई है। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस। हम ये माने कि ये केवल धागा है, कुछ आप कुछ उसमें पहने हैं, लॉकेट पहने या कुछ भी पहने हैं, तो आप उसको पहन सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने उस नज़र से आपने इसको पहना है जो मैं कहना चाहता हूँ, तो आप उसको निकाल दीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेस टू जीसस, हालेलुया, रिशिखर राबा, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। हाँ प्रभु जी, हर प्रकार की रसोलियाँ, पथरिया, गांठ है, इनके शरीर से बाहर निकल जाए, इनके शरीर से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। जो हॉस्पिटल एडमिट है पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, यीशु के नाम में ये चंगे हो जाए, हर एक बीमारी यीशु के नाम बाहर निकल जाए, हर एक ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु के नाम में। जो ऑपरेशन होने वाले हैं उसको आप सक्सेसफुल कीजिए पिता, और इनको पूर्ति से चंगाई प्रदान कीजिए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक जोड़ते यीशु के नाम में पूरी हो जाए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूं। आपने इन सबों को आशीष, चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो प्रभु जी इस समय चिंताओं में बैठे हैं, चिंता करके अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं, हर प्रकार की चिंताएं, समस्याएं, कष्ट, परेशानियां इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से बाहर निकल जाए और ये आपकी महिमा करने वाली हो जाए पिता, ऐसे अनुग्रह से आप इनके घरों में, इनके जीवन में देने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, जो रास्ते बंद हैं वो हर प्रकार की रास्ते खुल जाए, कष्ट परेशानियां इनके जीवन से दूर होने पाए। जो कर्ज में डूबे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं और हर एक कर्ज के बंधन से हम इनको छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनकी मेहनती कमाई कहीं फंस जाए, किसी कंपनी, किसी ऑफिस, किसी को दिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए खुदा, इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए पिता, जो रुकावटें बधाएं सब दूर हो जाए, जो पैसा लिया है पिता उसका हृदय, उसका मन परिवर्तन होने पाए और ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाले हो जाए खुदा, ऐसे अनुग्रह से आप इनके जीवन में देने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूं, ऐसे असे अनुग्रह आप इनके जीवन में दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूं खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, ओ रामा रसखर राबा, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। जो प्रभु जी नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अंधकार की आत्माओं में पड़े हुए हैं पिता, इनका हृदय, इनका मन परिवर्तन हो जाए, ये शैतान के चुंगल से निकलकर आपके राज में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माओं से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूं, ऐसे अनुग्रह से आपने दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी बाहर काम कर, जॉब करते, बिजनेस करते हैं, और जहाँ भी पिता पढ़ाई करते हैं, जहाँ भी पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियां दूर हो जाए, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए और ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाली हो जाए, ऐसे ऐसे आप इनके जिम्मे दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी इस समय पिता, ओ रामा शिखर रावा, हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो प्रभु जी बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाएं, शादी के सालों बीत चुके हैं पिता, आप इनके घरों में आशीष देने जा रहे हैं, आप इनके घरों में ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, आप इनके घरों में आशीष उड़ेलने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन। पिता हम प्रार्थना कर, जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट, दान, दशमा डाले हैं, उन सबों को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूं, उनके सैलरी, बिजनेस, शॉप को, बिजनेस को मैं ब्लेस करता हूं पिता, ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाले हो जाए, इनके खत्तों में बढ़ोतरी हो जाए, इनके कद, इनका पद ऊंचा किया जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। रुकावटें बधाएं दूर हो जाए, इन्हें घर में स्वर्ग से प्रकट हो जाए पिता, जितने लोग चर्च में के लिए सहयोग किए हैं आप उन सबको दुगनी आशीष देने जा रहे हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। जिनके पास अपना
अपना घर नहीं है, उनको अपना घर से आशीष करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके घर से, इनके जीवन से, इनके लाइफ से राइट नाउ बाहर निकल जाए और ये आपकी महिमा करने वाले हो जाए। ऐसे अनुग्रह से आप इनके जुम्मे दे दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन जो बच्चे मार है पिता, ओ पिता भिन्न प्रकार की मारों से ग्रसित है खुदा, उन सारे भाई बहनों को मैं आपके हाथ सौंपता हूँ। हर प्रकार की मारी समस्याएं कष्ट परेशानियां दूर हो जाए, बोलने पाए, चलने पाए और आपकी महिमा करने वाली हो जाए। जीवन के क्षेत्र में रुकावटें आ रही है, बाधाएं आ रही है, इनके काम सफल नहीं हो रहे पिता, प्रभु जी आप इनके जीवन में सफलता देने जा रहे हैं। रुकावटें बाधाओं को आप इनके जीवन से दूर करने जा रहे हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन जो प्रभु जी निराशा में बैठे, दुखों में, कष्टों में पड़े हुए हैं। हर एक दुख तकलीफ इनके जीवन से बाहर निकल जाए, इनका शोक आनंद में बदल जाए। हाँ पिता आप इनके घरों में, इनके जीवन में मिरेकल करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना जहां जिस घर में चलिए उस घर को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। वो घर आपके नाम से आशीषित हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए और ये भाई बहन आपकी महिमा करने वाले हो जाए। ऐसे ऐसे अनुग्रह आप इनके घरों में, इनके जीवन में दे दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जिनको नींद की समस्याएं, नींद नहीं आती है, मैं प्रार्थना करते सुनाए नींद से आप उनको भरपूर करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। सुबह उठकर आपकी महिमा करने में हम सबकी सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद ये शुक्र पिता जी आशीष मांगते हैं, सुंदर आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हालेलुया प्रेज़ टू जीसस। मेरे पियो हम विश्वास के साथ प्रभु के पास आकर उसको जिनका उद्धारकर्ता से उकार करें, प्रभु हमारे लिए आशय क्रम प्रकट करने के लिए तैयार है। जितने लोग चर जमीन के लिए बीज बोया है प्रभु आपको आशीष दे, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभी छूटा हुआ है जिस कारणवश ये अभी काम सफल नहीं हुआ है। और जो लोग मुझे देख रहे हैं आपसे एक ही निवेदन है, आप प्रभु के राज के लिए 1,000 निकालिए और उसको दीजिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया हर एक काम में आपके ऊपर आशीष आएगी। मेरे तरफ से 1,000 जितना प्रभु अगुवाई कर रहा है, अपनी शक्ति अपनी इच्छा प्रभु को अगुवाई में बीज बोए। हालेलुया प्रभु आप सबको आशीषों से भरपूर करे। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।